लोग? चलिए आज हम लोग दम आलू बनाते हैं। आधा केजी आलू लिया है और इसे उबाल लिया है और इस तरह से हाथ से तोड़ दिया है। बहुत छोटा छोटा पीस नहीं करा है, थोड़ा बड़ा बड़ा ही पीस रखा है। तो चलिए इसे फ्राई करना है हमें। मैंने गैस के ऊपर में कढ़ाई रख दिया है और इसमें 1 टीस्पून के जितना सरसों ऑयल डाला है। ऑयल हीट हो चुका है, 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। 3-4 हरी मिर्च कट करके डाला है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये आलू को डाल देंगे इसमें। इसी में हल्का सा नमक डाल दी। आलू फ्राई हो गया है तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं फ्राई करना, 1 मिनट के लिए ही इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो गया, मैं इसे निकाल ले रही हूँ। वापस से मैंने उसी कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें फिर से तेल को ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है, सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ऑयल को अच्छे से हीट कर लेंगे। ऑयल हीट हो चुका है तो ये मीडियम साइज़ का प्याज मैंने पीस करके रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं करा है, थोड़ा सा दरदरा है, इसे डाल दूंगी इसमें। हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पिसा हुआ मैं गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, और 1 टीस्पून दरदरा पिसा हुआ हरी मिर्च, 1 तेज़पत्ता। हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि हल्दी हमें आलू फ्राई करने में भी डाला है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आलू फ्राई करने के टाइम में भी नमक डाला है, अगर कम पड़ा तो फिर बाद में टेस्ट करके उसके बाद डालूँगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। और ये 2 छोटे साइज का टमाटर है वो पीस करके मैंने डाल दिया। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो नहीं तो स्किप कर देना। थोड़ा सा पानी डाल दिए। टू टीस्पून दही, 5 से 6 मिनट के लिए इसे अच्छे से हमें भूनना है। जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है। मैंने फ्लेम को कम कर दिया है और इसे ढक्कन लगाकर तब तक भूनेंगे हम जब तक के इसका तेल सेपरेट ना हो जाए, बीच बीच में चलाते रहें। तो चलिए इसे मैं भूनने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ग्रेवी अच्छे से भुना चुका है और तेल भी सेपरेट हो गया है। ये आलू को जो फ्राई करके रखा था वो डाल दे रही हूँ। आलू को डाल करके मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें 1 टीस्पून दूध की मलाई डालेंगे। आप नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर देना। 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। दम आलू बन करके रेडी हो चुका है। इस थोड़ा सा धनिया पत्ता, गैस के फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ। तो ये
दम आलू बनकर के रेडी हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर किया करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।